जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय विश्वनाथ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और इस समय मैं नगर रामपुरा में ब्राह्मण धर्मशाला में हूँ। आज भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में, आज परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज महासभा है और दादा परशुराम की जयंती है। तो दोस्तों हमारे साथ बनाएं और हमारे ऐसी वीडियो बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय विश्वनाथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सुधाराय धीमहि तन्नो परशुरामाय ॐ सहस्र शीरिखाव पुरुखाव सहस्राक्षाव सहस्रपाद सभो मे गुं सर्वत स्मृत्वाव त्या तिष्ठद सांगुलम् ॐ परशुरामाय नमः नमः विष्णु अवताराय नमो नमः ॐ स्वान्तिः ॐ श्री परशुरामाय नमो नमः विष्णु अवताराय नमो रावण के वंशज रूप का है जहान में।
भगवान परशुराम कौन थे? उनके पास इतनी शक्तियां कैसे प्राप्त हुई? क्या भगवान परशुराम शिव भक्त थे? हाँ दोस्तों, भगवान परशुराम कोई साधारण देवता नहीं थे। भगवान परशुराम भगवान शिव के ही बहुत परम भक्त थे। और पहले भगवान परशुराम का नाम राम ही था। उनके अंदर क्षत्रिय गुणवत्ता भी मौजूद है। और भगवान परशुराम को जब भगवान शिव द्वारा परसा वरदान में मिला, तब उनका नाम परशुराम पड़ा। और दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं। छठवें अवतारी इन्हें भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम बहुत ही बलशाली देवता हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। माँ रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुए। 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया। असुरों का संहार करने वाले परशुराम भगवान, इन्हें ऋषि भी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कई उपाधियां हैं। कोई ये साधारण देवता नहीं है। भगवान परशुराम छठवें अवतारी देवता हैं। भगवान शिव के परम भक्त हैं। परशुराम भगवान बहुत ही बलशाली देवता माने जाते हैं। इनके अंदर क्रोधाग्नि हमेशा बनी रहती है। क्रोध और तेज इनके मस्तक पर ललाट पर शोभायमान होता है। भगवान परशुराम कोई साधारण देवता नहीं है। डेंजरस गॉड परशुराम देवता। तो दोस्तों, ऐसे ही आप बटुक केडी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ये बटुक केडी ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा। आज आपने देखा, नगर रामपुरा में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपरांत भव्य पूजन हुआ और भव्य तरीके से शांतिपूर्वक भगवान परशुराम की जयंती का आनंद लिया। और आप सभी लोगों को परशुराम जयंती ये हार्दिक बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं सभी के लिए कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय भगवान।